सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम निबंध लेखन के बारे में बताते हैं। तो निबंध लेखन पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो निबंध लेखन में आपको 15 अगस्त, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये सब पढ़ा है। आज हम शिक्षक दिवस के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप जानेंगे शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं, प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाते हैं। दूसरा नंबर, हम क्यों मनाते हैं, तो हम सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मनाते हैं। तो कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, तो हम लोग ये शिक्षकों को सम्मानित करके स्कूल में, विद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम बच्चे करते हैं, फिर से शिक्षक के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बात है जिनके द्वारा हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आइए आज आपको हम बता रहे हैं शिक्षक दिवस पर निबंध। तो सबसे पहले आप जान लें कि शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर, देखिए हम यहाँ लिखे हैं, भारत में प्रत्येक साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। किस दिन, तो 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता का नाम वीर स्वामी था, वीरा स्वामी, सर्वपल्ली वीरा स्वामी था उनके पिता का नाम। उनकी माता का नाम सीताम्मा था, सीताम्मा। और उसके बाद उनकी पत्नी का नाम था शिवकमू, उनकी पत्नी का नाम शिवकमू था। उनका जन्म तो बता ही दिए कि 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तो यही है उनकी जिनमें वो, तो यहाँ देखिए राधा कृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, वो प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो दूसरे राष्ट्रपति वो 1962 में बने थे। वे एक कुशल शिक्षक भी थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो एक कुशल शिक्षक थे, उन्हें शिक्षा से बहुत प्रेम था। वो शिक्षा के मतलब अध्यापन से उन्हें इतना प्रेम था कि वो जब उनके जन्मदिन को मनाने के लिए बात उनसे पूछा गया तो वो बोले कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने ही ऐसा बोला था, इसलिए उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इस दिन पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। युगों से हमारे समाज में शिक्षक वर्ग का स्थान अति सम्मानपूर्ण रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में अधिक विश्वास रखते थे। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह एक दार्शनिक और शिक्षक भी थे। उन्हें अध्यापन से एक गहरा प्रेम था वो बहुत सारी किताबें भी लिखे हैं शिक्षक दिवस के। वो शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता था। उनको शिक्षा से प्रेम था और शिक्षकों से भी प्रेम था। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताब भी लिखी। उन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांत उन्हीं का लिखा हुआ है, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हीं का लिखा हुआ है, फिर एक है माई सर्च फॉर ट्रूथ ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, फिर से रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलोसफी ये सब वो लिखे थे, मतलब पुस्तक। वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। और आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस प्रत्येक विद्यालय में मनाया भी जाता है बच्चे के द्वारा। उस दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चे स्पीच देते हैं, ये सब शिक्षक दिवस। आप ये जो हम शिक्षक दिवस पर निबंध लिखें, इसको आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे तो हम आपको इसका ये भेजेंगे सिनॉप्सिस, आपके इस पे नंबर पे हम व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे अपने। उनका देहांत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देहांत 17 अप्रैल 1975 में हुआ था, ये भी आप जान गए।
उनके जन्म के बारे में हम बताएं, उनकी माँ का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, फिर से वो बहुत सारे किताब लिखे हैं वो भी हम आपको बताएं। उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुआ, कोई लंबी बीमारी के कारण, उनका बहुत बड़ी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। तो आप फिर से एक बार हम आपको ये पढ़ाएंगे और आप इस वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे भी, जिससे आपको पढ़ना आ जाएगा और आप अपने कॉपी में लिखेंगे भी। तो आइए, भारत में प्रत्येक साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और एक बात हम बताएंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वे एक कुशल शिक्षक भी थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। युगों से हमारे समाज में शिक्षक वर्ग का स्थान अति सम्मानपूर्ण रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में अधिक विश्वास करते थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वह एक महान दार्शनिक और शिक्षक भी थे। उन्हें अध्यापन से एक गहरा प्रेम था। आपको हम पढ़ना बता दें, आप इसी तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर से एक बार हम आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 में। ठीक है, अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। अब आपके साथ हम मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा गांधी जयंती या फिर दुर्गा पूजा, जो भी हो उसके साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।